नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या आपका आधार कार्ड मिल नहीं रहा है दोस्तों, या फिर आप एक नया आधार कार्ड घर बैठे ऑनलाइन करके मंगवाना चाहते हैं और आपका आधार या फिर खो गया है किसी कारण दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा कि आप अपना आधार कार्ड घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं, वो भी दोस्तों अपने मोबाइल से दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही प्रकार से इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या, आपने गूगल पे जाना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही गूगल पे जाना है, जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर आपको सर्च कर देना UIDAI.gov.in दोस्तों। सेकंड नंबर पे इसकी वेबसाइट आ रही है, तो ये इसकी वेबसाइट होती है दोस्तों, आधार की ऑफिशियल ये वेबसाइट है दोस्तों, ओरिजिनल वेबसाइट दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। खुलने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर ऑर्डर आधार रीप्रिंट दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि मैं आपके सामने कुछ नया प्रकार का पेज खुलेगा दोस्तों, तो थोड़ा लोड ले रहा है दोस्तों, तो थोड़ा समय का वेट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही यहाँ पर हमारे सामने आधार का जो नया पेज खुलता है, तो हम आपको कुछ उसके आगे की प्रक्रिया बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो नया पेज ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद दोस्तों सिक्वेंट आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है दोस्तों, और यहां पर जो सिक्योरिटी कोड मांग रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी कोड डाल देना है दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं नीचे लिख रखा है दोस्तों, मैं फटाफट कर लेता हूँ। करने के बाद फिर इसका जो नया पेज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं आपको अपना आधार कार्ड नंबर नहीं दिखाना चाहूँगा, और मैं आपको ये भी बताऊँगा दोस्तों, अगर आपका अभी तक मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है दोस्तों, लिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। लिंक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, यहां पर अपना आधार कार्ड डिटेल्स डाल लेता हूं दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों मैंने इसमें डाल लिया है, और डालने के बाद दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर सिंपली से आपको सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ओटीपी आ जाएगी। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो माई यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों इस जगह पर। तो जैसे ही मैं इस जगह पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आपको एक नया मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आप इस रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब इस पर आपको रजिस्टर्ड करना है आधार कार्ड पर दोस्तों। तो सिंपली से यहाँ पर आपको एक नया मोबाइल नंबर दे देना है, मैं सिंपली से दे देता हूँ, और देने के बाद फिर करना क्या है आगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो आपने नंबर दिया होगा, मैं स्क्रॉल करती हुई नीचे की ओर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको वो नंबर पे ओटीपी मांगेगा दोस्तों। ओटीपी देने के बाद करना क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पे ओटीपी देने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ चार्जेस होंगे दोस्तों, ₹50 आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर आपके घर में और आपके पास इसका आधार कार्ड आ जाएगा दोस्तों। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही, तो मैंने एक पिछली पुरानी वीडियो बना रखी है, वहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको पेमेंट कैसे कटाया और पेमेंट कैसे किया, ये सारा कुछ उस वीडियो में दे रखा है दोस्तों। तो मैं आपको सिंपली से इसके डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा दोस्तों, वो वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों।